अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास, आज हम फिजिक्स की स्कीम के बारे में बात करेंगे। जिस पैटर्न के तहत आपका पेपर आएगा वो चंद बातें आपसे शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 20 नंबरों के आपके एमसीक्यूज होंगे। इसमें चैप्टर नंबर 12 से दो एमसीक्यूज लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 13 से एक, 14 से दो, 15 से दो, 16 से भी दो हैं, 17 से एक होगा, 18 से टू, 19 से टू, 20 से वन और 21 से भी टू एमसीक्यूज आपके लिए जाएंगे। इस तरह से आपके 20 एमसीक्यूज क्लियर होंगे। इसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब है। इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर टू होगा इसमें चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 से इसको कंप्लीट किया जाएगा। चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 इसमें से चार चार शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को, यानी कि 12 और 14 को अच्छी तरह से तैयार कर लें दो चैप्टर्स को, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा, इसमें चैप्टर नंबर 15, 16, 17 और 18 इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन लिए जाएंगे। हर चैप्टर में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल बनेंगे और आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो इसमें से भी अगर आप अपने तीन चैप्टर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। इसमें आप चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 ये आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करेंगे तो आपका पार्ट 3 क्लियर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इसके अंदर आपके चैप्टर नंबर 19, 20 और 21 से तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 20 से दो होंगे और 21 से चार शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। आपने इसमें से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टोटल 9 क्वेश्चंस वो आपको देगा। तो इसलिए अगर आप चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर नंबर 21 या चैप्टर नंबर 19 और 21 आप तैयार कर लें तो 7 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और आपने 6 करने हैं। यह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब होगी, इस तरह से आपने तैयार करने हैं। फिर आपका क्वेश्चन आगे लॉन्ग में आपने चैप्टर नंबर 12 से वो आपकी थ्योरी लेगा, 13 से न्यूमेरिकल, 14 से थ्योरी, 15 से न्यूमेरिकल, इसी तरह 16 से थ्योरी और 17 से न्यूमेरिकल। यानी कि एक चैप्टर से वो थ्योरी लेगा और दूसरे से न्यूमेरिकल लेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए आप 3 चैप्टर तैयार करेंगे, 13, 15 और 17, इनके आप न्यूमेरिकल अच्छी तरह से तैयार कर लें। और थ्योरी के लिए चैप्टर 12 है, 14 है और 16 है, ये आप थ्योरी के लिए तैयार करें। आपके तीनों लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जो बाकी आपके नीचे से चैप्टर्स बच गए हैं इनको आप सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करें ताकि आपके ऊपर बर्डन भी कम हो और आपका पेपर भी 100 नंबर का आप कंप्लीट कर लें और उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये आपने तैयार करना है स्कीम के तहत पेपर को, और इंशाल्लाह ताला इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम 1 से 2 दिन में अपलोड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।